अब हम एनडीए के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो जो एनडीए का सेकंड पेपर मैथ का है। उसका पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास कैसे लिखा है। ऐसा लिखा है कुछ, इफ़ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3, 4, देन हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ px² + qx + 1 विल हैव रियल रूट्स। इसके पास क्या हुआ, रियल रूट हो, ऐसे कितने हमारे पास इक्वेशन होंगे तो हम देखते हैं। तो जब रियल रूट होता है, फॉर रियल रूट हमको पता होता है, कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होती है, b², b यहाँ पे क्या है, q, तो q का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है p, c की वैल्यू कितनी है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी q² - 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारे पास p और q कहाँ से हमको लेना है सबको, 1, 2, 3, 4 से। लेट्स से मैंने q क्या ले लिया, q के प्लस मैं क्या लेता हूँ 1, तो p ऐसा कोई मिलेगा जो इसके p की कोई वैल्यू यहीं से लो, 1, 2, 3 में से कोई रखो, तो p कितना होगा, q से बड़ा ही होगा जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो p का कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। गाइस ध्यान देखो, यहाँ पे आपके पास कहाँ से उठाना है, p भी आपका 1, 2, 3, 4 इंटरवल से है, q भी आपका इंटरवल क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है गाइस, अब देखो आप क्या आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगली बार मैं q = क्या लूँगा, 2 लेने पे देखो p की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाइड हो रही है। अगर मैं 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अच्छा 4 हो जाएगा, और 1 लूँगा तो 4 × 1 = 4 p की वैल्यू। तो सिर्फ p = 1 सेटिस्फाइड कर रहा है और इसमें कोई वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। गाइस अगला देखो, q = 2, 3 ले लें, अगर मैं q = 3 ले लूँगा तो p मुझे क्या लेना है, तो इसका स्क्वायर देखो गाइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो तो q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब जब 9 हो गया तो 9 से बड़ा या 9 के इक्वल मुझे वैल्यू लेना है, यानी p की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि 1 पे 4 आएगी, 2 पे 8 आएगी, और 3 पे तो 12 हो जाएगा, जो कि क्या है ऑलरेडी उसे इक्वेशन को इक्वलिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अच्छा q = 4 ले लेते हैं, 4 लेने हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब आप रख के चेक कर लो, यहाँ पे p की वैल्यू 1 रहो तब भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि 4 ही बन रहा है, 2 लेने पर 8 बन रहा है, p की वैल्यू 2 लेंगे तो 8 बन रहा है, 3 रखने पर 12 बन रहा है, और 4 रखने पर 16 बन रहा है। बस ये हमारे पास हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना हो गया, 4 और 2 6 1 7, 7 इक्वेशन गाइज होगा। इस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर c इज़ करेक्ट।